एक गरीब माँ लकड़ी के चूल्हे से खाना पकाती है एक दिवस में उसके शरीर में 400 सिगरेट का धुआं चला जाता है 400 सिगरेट का साल का रिपोर्ट का कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है मैं आशा करूंगा की प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार भाजपा को वोट दे हाउ आरोनिक ऑल दीज वीडियोज आर वाइल मोदी जी इज नेमिंग स्टेडियम आफ्टर हिम देर आर इशूज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट एंड देन पेट्रोल प्राइस हाइक्स एंड देन एल पी जी सिलेंडर प्राइस हाइक्स बट घंटा फर्क पड़ता है एज लॉन्ग एज वी हैव रिलायंस एंड एंड अडानी एंड डू यू नीड टू केयर देर आर हिंदू मुस्लिम डिबेट्स देन देर इज बेंगाल बेंगॉल डिबेट्स द मोदी स्टेडियम डिबेट्स यू हैव सो मच कॉन्टेंट काहे इतना बेरोजगारी और पेट्रोल के पीछे पड़े हो बे कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल ऑफ दिस हाउ कैन यू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड विच टॉपिक डू यू वॉन्ट इन ऑर्डर टू गेट डिस्ट्रैक्टेड है सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गो डिस्कस ऑल दीज इशूज लाइक अनएम्प्लॉयमेंट एल पी जी सिलेंडर प्राइस हाइक्स एंड देन पेट्रोल प्राइस हाइक्स बट मोर इंपॉर्टेंट इज वाई वी डोंट केयर अबाउट इट वाई इंडियंस टूडे आर नॉट केयरिंग अबाउट इट लाइक दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आई लीव द टाइम in the description you can go and skip to that so make sure you watch that part of this video the first part is mostly based on the price hikes the details of all that the next part is more important so you need to understand that because all these issues which are coming and no one caring about it you actually need to understand the deeper parts of it the deeper dimensions of life <laughs> so if you don't want to listen to the first part it's totally okay बट मेक श्योर यू वॉज द सेकेंड पार्ट क्लिक ऑन द टाइम बिलो एंड जंप टू दट ना ऑलरेडी आ जी डी पी वॉज गेटिंग स्क्रूड ओवर टाइम आफ्टर जी एस टी एंड डी मोनेटाइजेशन पीपल्स इनकम वॉज फॉलिंग एंड देन जॉब्स वॉर गोइंग बट देन द कोविड लॉकडाउन केम आफ्टर दैट थिंग्स गॉट मोर स्क्रूड मोर पीपल लॉज द जॉब्स एंड दर पीपल्स इनकम रिड्यूस्ड इवन मो बट द गवर्नमेंट वॉज लाइक लेट्स क्रूड अप लिटल मोर फॉर यू लाइक पब्लिक की और काटेंगे ये इंडिया है ये इंडिया की पब्लिक है और ये इनकी कठाई हो रही है पर किसी को घंटा फर्क पड़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज ग्रोइंग एट अ वेरी हाई रेट इवन बिफोर द कोविड 19 लॉकडाउन इन इंडिया 403.5 मिलियन पीपल वर ओपनली एम्प्लॉयड एंड 35 मिलियन पीपल वर ओपनली अनएम्प्लॉयड एंड आफ्टर द कोविड 19 लॉकडाउन दिस 403.5 मिलियन केम डाउन टू 400 मिलियन बट दिस ऑलसो डजन शो यू क्लियर पिक्चर ऑफ द अन इन इंडिया in 2016-17 407.3 million people were openly employed so 1617 to 1920 you can see the decrease in the amount of employed people but that also doesn't show you the clear picture the labor force participation rate of india is 40% labor force participation rate basically means that how many people are seeking for a job or are employed the average of india is 40% whereas worldwide in developed countries it's 60% or more so according to this Around 15 million, which means 1.5 crore people are added to more unemployment every year. Recently, hashtag ModiRoseGardo was trending on Twitter with more than 2 million, 5 million, 6 million tweets, but ultimately, no one focused on it. You don't know. Modi ji is the best. Another major reason for this unemployment is because 68% of the people aren't subscribed to this channel, and only 32% are subscribed to this channel. सो so, बेरोजगारी बढ़ रही है एंड आई एम नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट सो मेक श्योर यू गाइज सब्सक्राइब प्लीज थोड़ा सपोर्ट मिलता है टेक मी टू टेन थाउजेंड सब्सक्राइबर्स विल बी अग थिंग फॉर मी सो प्लीज सब्सक्राइब सिक्सटी एट परसेंट अरे क्या है सिक्सटी एट परसेंट नॉट सब्सक्राइब दुख होता है दुख होता है नॉलेज कम टू द फ्यूअल प्राइस हाइक्स इन इंडिया इन सम प्लेसेज इट हज क्रॉस मोर देन हंड्रेड एंड मोदी जी इज स्टिल ब्लेमिंग कांग्रेस सब कांग्रेस के ही गलती है भाई नेहरू पर ना यू शुड पुट UAPA during the congress regime the taxes on fuel was approximately 49% and during bjp's regime it is at 67% but this is also only half the picture if you see in the chart over here state tax and central tax is different though central tax has increased from the past couple of months so has the state tax as you can see maharashtra it is charging almost 26 rupees as tax, and central tax is 33 rupees. And you can see other states also where taxes are also very high. The state government is also responsible for the rising petrol prices, it's just not the central government. You can see in the chart over here from light green to dark blue. The states and how they have levied taxes, the highest being Maharashtra. And the Congress party, who is complaining so much about the fuel price hikes by the center, need to look at their states too. The middle class is most affected by these fuel price hikes than even. Delivery boys like Swiggy, Zomato, and all, and then even cab drivers. According to a survey by local circles, around 51% Indians are cutting on their other expenses to manage their spending on fuel prices. Around 21% of the respondents to the survey said that they are cutting spending on essentials and it is painful. Another 14% are dipping into savings to pay for it. So, this bad is the situation because of these fuel price hikes. Now, let's come to the LPG cylinder price hikes. In the past 4 months, it has increased by 225 rupees per cylinder.

देन कस्टमर स्टार्टेड फॉलिंग सुनने वाले दुकानदार आंसू कहते हैं कि चाय का यह खोखा किराए पर चलता है कमर्शियल सिलेंडर का एक साल में डबल हो गया उसने चाय की कीमत 10 रुपए से 12 रुपए की तो ग्राहक आधे हो गए देयर वाज लिटरली दिस मीम फ्लोटिंग अराउंड द इंटरनेट जब शेयर पाला है तो खर्चे से क्या डरना हम hmm? 800 या 8000 जस्ट बाय इट पुट योर होल इनकम इनटू गैस सिलेंडर्स <laughs> सिलेंडर का डालो पिछवाडे मैन उड़ जाओ मार्स को सेटअप योर बस्ती और कुक कुक इन मार्स <laughs> but so much has happened but ultimately the indians right now barely care about it they used to be extremely aggressive during the congress regime but they kind of don't seem that way right now so what are the possible factors to it the first factor is bad opposition they are tweeting and they are talking about it that the fuel prices are growing at a very high rate and all these things but they aren't as aggressive as how bjp used to be during their time they used to call for bharat bandh and all these things then they used to get aggressive <laughs>

या तो वो कन्वर्ट हुआ है या वो जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया है ये भारत के पुरानी सनातन परंपरा से जुड़े हुए जो परिवार थे उनके ही वंचज है या तो किसी ने दो रुपए किलो चावल के लिए या चारियों के लिए कन्वर्ट किया अगर हिंदू आपके नहीं थे तो आप सबके कहा से जवाब दीजिए प्रधानमंत्री मोदी पिछले एक महीने में तीसरी बार बंगाल पहुंचे और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज हुगली में रैली की और टीएमसी पर जमकर वार किया आज पीएम मोदी ममता सरकार पर हुगली से गरज रहे थे और भारी भीड़ से तालियों की गूंज बंगाल के कोने कोने में सुनाई दे रही थी हाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह की पॉपुलरिटी का कोई तोड़ नहीं प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का कोई भी कंपैरिजन नहीं है ये बात ममता बनर्जी भी जानती हैं। दो मई दीदी गई दो मई दीदी गई दिस, दिस दिस इज द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ ऑल दीज हिंदू मुस्लिम थिंग्स बंगाल यही चालू है

इतना मच मच क्यों कर रहे हो बे ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट थिंग्स शेम ऑन यू थिंग हाउ विल डेवलपमेंट हैपन तुम्हारी जेब काट के ही बनेंगे ना है सुधीर चौधरी इन ट्वेंटी पेट्रोल हैव इंक्रीज बट डेटा हैज बिकम सस्ता मई 2014 में एक जीबी मोबाइल इंटरनेट डेटा दो रुपए का मिलता था लेकिन अब वन जीबी डेटा उन्नीस रुपए में मिलता है यार सुधीर जी देन द थर्ड पार्ट इज क्लैश ऑफ आइडियोलॉजीज विच इज अ मेजर पार्ट ऑफ दिस In 2019, one of the largest post poll surveys done across India found 38% among middle class respondents and 44% among the upper middle class voted BJP, which was by far the most popular party in that category. Since BJP appeals only to Hindus amongst the middle class, an astounding 61% of Hindu upper caste voters surveyed picked the BJP in 2019. So, there is this deep ideological relationship which is able to withstand these economic shocks. The Indian middle class, for the time being, are ready to vote against their own economic. Economic interests. now congress had a lot of middle class support before 2014 but after 2014 their middle class vote share has started to fall and bjp has been able to take the advantage of it so this identity based support has helped bjp despite squeezing its own middle class even in the us during the kerry and bush election a survey was done on a certain number of people where they were asked to judge their candidates who were they were supporting judge them so, in that study, they found that when these people were judging their candidates, the part of their brain which was responsible for logical reasoning was inactive, and the part of their brain which was more emotional was active. So when they're judging their people, they are more of emotional people rather than logically thinking. So when people go to judge Modi, it is more of an emotional thing rather than a logical thing. So you can't really argue with an emotional फीलिंग राइट देन फोर्थ वन मेजर फैक्टर इज टेफ्लॉन इमेज ऑफ मोदी जी मतलब मोदी जी इज भगवान मोदी जी कितना भी हक दे बड़े बड़े टट्टे डाल दे मोदी जी ने किया हो तो सही ही किया होगा मोदीज इमेज इस्पेक्टिव ऑफ दिस बैड डिसीजन इज इम्यून टू डैमेज एंड दिस इज पॉसिबल सम लीडर्स अराउंड द वर्ल्ड हैव ऑल्सो हैड द सेम टेफलॉन इमेज जैपनीज लीडर शिंजो आबे इटालियन इंटीरियर मिनिस्टर मैटियो सालवनी एंड पोलिश प्रेसिडेंट कजिस सो इट इज नॉट लाइक पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव नॉट हैड इट some people do have and when it comes to modi despite the harsh lockdown which modi had done during the covid crisis and so many jobs were lost people's income fell modi's approval rating which was already high it went to 80 to 90% despite all these bad decisions there are factors which contribute to this teflon image it's like media control then nationalism hindu majoritarianism then financial wealth and obviously weak opposition

different support altogether they are supporting something else when religion and faith comes into the picture logic crumbles and that's about it thank you everyone for watching the video see you guys in the next one bye bye